गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीबीएससी सेकेंड ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमने बात की थी किसकी, विश्व जनसंख्या और उसके वितरण की, कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है। हमने कल बात की थी सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र, कल हमने उसकी बात की थी। आज हम करेंगे मुख्य जनसंख्या महासमूह, जनसंख्या महासमूह की बात करेंगे। इसको अच्छे से पढ़ना, इसमें से हर बार बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है। जनसंख्या महासमूह क्वेश्चन कैसे आएगा, विश्व के प्रमुख जनसंख्या महासमूह का विस्तार पूर्वक वर्णन करें, और उसको कह सकते हैं कि हम डायग्राम के माध्यम से प्रदर्शित करें, इस अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन आता है। तो जनसंख्या महासमूह है, महासमूह मतलब ऐसा समूह जहां बड़ी मात्रा में जनसंख्या पाई जाती है, और हम इसका जो विभाजन करेंगे वो महाद्वीपों के अकॉर्डिंग करेंगे, जैसे एशिया महाजन समूह, अफ्रीका महाजन समूह, यूरोप महाजन समूह, और चौथा है हमारा अमेरिकन महाजन समूह। कि ऐसे समूह जहां पर बड़ी मात्रा में क्या पाई जाती है, जनसंख्या पाई जाती है। सबसे बड़ा कौन सा, एशिया। सबसे बड़ा कौन सा, एशिया। विश्व की जनसंख्या के वितरण के अगर भौगोलिक विश्लेषण करें तो कुल जनसंख्या का लगभग 80% भाग 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। देखिए, कल मैंने आपको डिटेल से बताया था कि कौन कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की सघन जनसंख्या, विरल जनसंख्या, किस प्रकार की जनसंख्या पाई जाती है। आप सभी जानते हैं कि विश्व की जो 80% जनसंख्या है 20 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाई जाती है, और जो 20% है वो पहाड़ी क्षेत्रों में, मरुस्थल में, इन सभी क्षेत्रों में, वह 20% कह सकते हैं कि हम ऐसे क्षेत्र जो मानव के अनुकूल नहीं है, ऐसे क्षेत्र जिनकी जलवायु मानव जीवन के अनुकूल नहीं है, कह सकते हैं कि हम 20% जो जनसंख्या है वह प्रतिकूल परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में रहती है। मरुस्थल हो सकता है, पहाड़ी क्षेत्र हो सकता है, पर्वतीय क्षेत्र हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि अत्यधिक शीत प्रदेश हो सकते हैं, या अत्यधिक वर्षा वाले वन हो सकते हैं जिनमें अत्यधिक वर्षा होती है, और कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक बीमारियां हैं या बीमारियां हैं, महामारियां हैं, उनका प्रकोप ऐसे क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। तो कह सकते हैं कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, इस 20 डिग्री से और इस 60 डिग्री तक, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कल देखो मैंने इसकी ही बात की थी, क्या बताया था, यहाँ 50 और यहाँ 30, टोटल कितना हो गया 80%। 80% जो विश्व की जो जनसंख्या है वह 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाई जाती है, और बाकी जो 20% बच जाती है वो इस वाले एरिए में, इस वाले में और बाकी इस वाले भाग में पाई जाती है। हम कह सकते हैं कि ये जो जलवायु है, उष्ण, उपोष्ण और शीतोष्ण प्रकार की जो जलवायु है, मनुष्य के रहने के अनुकूल है, इसलिए इस क्षेत्र में अधिक जनसंख्या पाई जाती है। और विश्व की 80% तक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, 20 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य पाई जाती है, और बाकी जो 20% जो जनसंख्या है वो कहाँ पाई जाती है, प्रतिकूल परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में वह जनसंख्या पाई जाती है। बात करते हैं कि इन विस्तृत बसे हुए क्षेत्रों को क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, मुख्य जनसंख्या समूह। इन विस्तृत क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं, मुख्य जनसंख्या समूह। कह सकते हैं कि इस प्रकार जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कह सकते हैं कि विश्व के 4 मुख्य क्षेत्रों में निवास करता है, जो भौगोलिक दृष्टि से महाद्वीपों के कुछ विशेष उपयुक्त भाग हैं। आप सभी जानते हैं कि जो जनसंख्या है वो पूरे विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है, नदी घाटी वाले क्षेत्र हैं, समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो जनसंख्या बसाव है, जनसंख्या जो सघनता है वह अधिक पाई जाती है। और इसी आधार पर इन्होंने क्या किया है कि विश्व को 4 मुख्य जनसंख्या महाजन समूह में विभाजित किया है। फर्स्ट बात करेंगे एशियाई जनसमूह, प्रथम किसकी बात करेंगे, एशियाई जनसमूह। एशियाई जनसमूह विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह है, ऐसा क्षेत्र जहाँ विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, या हम कह सकते हैं कि यह विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह है।
देशों के नाम बताइए। चीन है, भारत है, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, वियतनाम, हांगकांग, थाईलैंड, इन सभी क्षेत्रों में विस्तृत है। और ये क्षेत्र जनसंख्या के कह सकते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से एक बड़ा भाग अपने साथ रखते हैं। प्रथम स्थान पर चीन, द्वितीय पे भारत, तीसरा यूएसए छोड़ दीजिए, चौथे नंबर पर क्या था, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सारे कहाँ हैं, इसी एशिया में तो शामिल हैं। सारे जितने भी देश हैं जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है वो कहाँ पर स्थित हैं, इसी एशिया में स्थित है, इसलिए विश्व का सबसे बड़ा जन समूह है। नेक्स्ट बात आती है कि सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, चीन में पाई जाती है। कितनी, 139.38 करोड़। विश्व की 22% जो जनसंख्या है, चीन की जो जनसंख्या है, जनसंख्या कितनी है, 139 करोड़। और 22% जो व्यक्ति हैं वो कहाँ रहते हैं, चीन में। भारत में कितने रहते हैं, 17 पॉइंट कुछ, ठीक है। तो चीन है, सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, चीन के, 139 करोड़ की जो जनसंख्या है चीन में पाई जाती है। और कह सकते हैं कि 22% जो जनसंख्या है वह कहाँ पाई जाती है, चीन में पाई जाती है। दूसरी अगर बात करें, एशिया जन समूह है, एक जापान को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी देश हैं वो किस प्रकार के हैं, कृषि प्रधान देश हैं। जापान है औद्योगिक है, उद्योग विकसित है, तकनीकी विकसित है। जापान एक ऐसा देश है जो एशिया महाजन समूह की अगर हम बात करें, एशिया जन समूह की बात करें, तो वह विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, बाकी जितने भी देश हैं वो विकासशील या अर्धविकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। तो हम एक जापान की बात करें, जापान को छोड़कर एशिया के जितने भी देश हैं उनकी जो अर्थव्यवस्था है किस पर निर्भर करती है, खेती पर निर्भर करती है, मानसूनी जलवायु पाई जाती है। आप सभी जानते हैं कि जो हमारी खेती है किस पर निर्भर करती है, मानसून पर। दो फसलें ली जाती हैं, मुख्य फसल क्या है, चावल है, इसलिए प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी क्या होता है यहाँ पर अधिक होता है, और पोषण क्षमता भी अन्य फसलों की तुलना में क्या पाई जाती है, इसकी अधिक पाई जाती है। चावल प्रधान निर्वाह कृषि प्रदेश होने के कारण इस जन समूह की जो मानव सभ्यता है उसको चावल सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण, चावल प्रधान क्षेत्र होने के कारण यहाँ की जो सभ्यता है, मानव की जो सभ्यता है, उसको चावल प्रधान सभ्यता या चावल सभ्यता के नाम से भी उसको जाना जाता है। यहाँ जितनी भी नदी घाटियाँ हैं उनका मुख्य कार्य क्या है, उन नदी घाटियों में क्या की जाती है, कृषि की जो सघनता है वह सर्वाधिक पाई जाती है। आप सभी जानते हैं कि नदियाँ प्रतिवर्ष अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लेके आती हैं, उपजाऊ मिट्टी लेके आती हैं जो खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त रहती है, जलोढ़ जो मृदा होती है। और हम सभी जानते हैं कि उस मिट्टी में विभिन्न प्रकार की सर्वाधिक फसलों का उत्पादन किया जाता है, और सर्वाधिक जो जनसंख्या होती है उसका भरण पोषण वो जलोढ़ मिट्टी ही करती है। तो यही बात आई, तो जो नवीन जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर जो जनसमूह है वो विशाल पाया जाता है, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या का संकेंद्रण पाया जाता है, जनसंख्या सघनता पाई जाती है। कृषि पर आधारित तो जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या की जो सघनता है, जितनी भी एशिया में जितनी भी नदी हैं सबके नाम लिख दीजिए, गंगा है, यांगडीसी, सीकियांग है, सिंधु है, इनके डेल्टाई क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गंगा का जो मैदान है, सिंधु का जो मैदान है, पंजाब की अगर हम बात करें, प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है, और कह सकते हैं दूसरा क्या, पोषण क्षमता भी अधिक पाई जाती है। तो यही कारण है कि जितनी भी एशिया की नदियां हैं वो क्या हैं, सर्वाधिक जनसंख्या का संकेंद्रण पाई जाती हैं, वहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो जितनी भी नदी घाटियाँ, आप सभी जानते हैं कि प्राचीन समय में जब मानव सभ्यता की उत्पत्ति हुई तो इन्हीं नदी घाटियों के किनारे हुई थी। जितनी भी हमारी बड़ी बड़ी जो सभ्यताएं हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, ये मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, नील नदी घाटी, जितनी भी हमारी सभ्यताएं हैं वो क्या हैं, उन्हीं सभ्यताओं के किनारे क्या हुई थी, मानव की सभ्यता हुई थी, या सबसे पहले वहीं उसने रहना प्रारंभ किया था। तो ये जितनी भी सभ्यताएं थी, या कह सकते हैं कि जितनी भी नदी घाटियों के जो क्षेत्र हैं, डेल्टाई क्षेत्र हैं, वो क्या थे, एक बड़ी जनसंख्या का पालन पोषण करते हैं, जिसके कारण यहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है। एशिया जन समूह की अगर हम विस्तार की बात करें, 10 डिग्री उत्तरी से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य इसका विस्तार पाया जाता है। देखिए कैसे, एशिया जन समूह की अगर हम बात करें, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, ये हमारी जीरो, ये 10 डिग्री, ये 40 डिग्री, एशिया के जितने भी
जो क्षेत्र है मोस्टली 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश में समा जाते हैं कह सकते हैं। तो यहाँ की जो जलवायु है, अब इस वाले क्षेत्र में जो जलवायु है किस प्रकार की पाई जाती है, उष्ण और उपोष्ण। क्यों पाई जाती है? कर्क रेखा 23.5 पर चमकती है सीधी, सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं। तो इस क्षेत्र में जो जलवायु है किस प्रकार की है? उष्ण और उपोष्ण प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम, भारत, बांग्लादेश मानसूनी पवनों के प्रभाव में आते हैं। तो जो खेती होती है वो भी किससे होती है? इन्हीं मानसून पर निर्भर है, या हम कह सकते हैं कि वर्षा पर निर्भर है। मानसूनी पवनों से पर्याप्त वर्षा होती है, पर्याप्त वर्षा होती है उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से क्या होती है, निकलने वाली नदियां वर्ष भर क्या करती हैं, जल प्रवाहित होता रहता है। जल कहाँ पहुंचता है? नहरों में पहुंचता है, और वर्ष भर क्या की जाती है, उनसे सिंचाई का कार्य किया जाता है। कह सकते हैं कि वर्ष में कम से कम 2 फसलों का उत्पादन कर लिया जाता है। एशियाई में मूलतः नदियों में द्वारा निक्षेपित जो जलोढ़ मृदा है उससे जो हमारे मैदान है वो उससे निर्मित हैं, जो खेती के लिए उपयोगी माने जाते हैं। नदी बेसिनों की अगर हम बात करें, उसके अतिरिक्त समुद्र जो तटवर्तीय क्षेत्र होते हैं वो भी क्या हैं? सघन आबाद हैं। आप सभी जानते हो कि जो समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं, तट क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है। बहुत सारे कारक होते हैं, वो भी आप जानते हैं। और दक्षिणी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के उपजाऊ मैदान हैं, वहाँ भी जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक पाया जा रहा है आरंभ से ही। क्यों? मुख्य आधार क्या थी? कृषि व्यवस्था थी, क्योंकि नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी थी जिसके कारण वहाँ पर खेती करना आसान था। एशिया जनसमूह की बात करें, विश्व की 59.51% जो जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती है? एशियाई जनसमूह में। अगर 100 व्यक्ति रहते हैं उसमें से 60 मान लीजिए कहाँ मिलेंगे आपको? एशिया में मिलेंगे। विश्व में अगर 100 व्यक्ति रहते हैं उसमें से 59.51 जो व्यक्ति हैं वो कहाँ निवास करते हैं? एशिया में। तो हम कह सकते हैं कि एशिया जो जनसमूह है जनसंख्या की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 60% जो जनसंख्या है उसको आश्रय प्रदान करता है। एशिया के इन 13 देशों की अगर हम बात करें, 368.3 करोड़ जनसंख्या इसमें निवास करती है। संपूर्ण एशिया की बात करें उसकी 87% वह जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। कह सकते हैं कि 13 देश ऐसे हैं जिनमें विश्व की 87% या एशिया की 87% जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। बाकी 12% जो जनसंख्या बच जाती है वो कैसे? पश्चिमी एशिया के जो उष्ण मरुस्थल हैं, विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, मध्य एशिया के पठारी भाग हैं, शीतोष्ण मरुस्थल हैं और उत्तरी शीत प्रदेश हैं, उन क्षेत्रों में बिखरे हुए रूप में वह 12% जनसंख्या पाई जाती है। और जो कह सकते हैं कि इन शीत जो बिखरे हुए क्षेत्र हैं इनमें क्या पाया जाता है? यहाँ पर निवास करते हैं, यहाँ पर आर्थिक जो क्रियाएं होती हैं उनका संकेंद्रण कम पाया जाता है। आर्थिक क्रियाओं का संकेंद्रण कम होगा तो जनसंख्या भी वहाँ पर कम पाई जाएंगी। जितनी अधिक आर्थिक क्रियाएँ होंगी उतनी अधिक जनसंख्या की बसाव अधिक पाया जाएगा। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि ऑस्ट्रेलिया में क्या है? मरुस्थल है, लेकिन सोने की खान होने की वजह से वहाँ जनसंख्या सघनता पाई जाने लगी। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, थार के मरुस्थल की बात करें, जैसलमेर बाड़मेर की बात करें, तेल और कह सकते हैं कि हम प्राकृतिक गैस के भंडार होने के कारण वहाँ पर धीरे धीरे जनसंख्या की बसावट बढ़ती जा रही है। उसका कारण क्या है कि प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं, लेकिन आर्थिक क्रियाएँ जहाँ होंगी वहाँ मनुष्य क्या करता है? मनुष्य निवास करता है। इस प्रकार एशियाई जनसमूह की अगर हम बात करें तो सभी अन्य 3 जो हमारे महाजन समूह हैं उन सभी से अधिक जनसंख्या यहाँ निवास करती है। 3 महाजन समूह और इसके अलावा कौन है? टोटल हमारे पास 4 महाजन समूह है। एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है और अमेरिका है। ये था हमारा एशिया जनसमूह है। एशिया जनसमूह की अगर हम बात करें, देखिए आपको देशों के नाम याद होने चाहिए कहाँ पर कितनी अधिक जनसंख्या पाई जाती है। 2018 के अनुसार, 2011 के अनुसार 5 विश्व के एशिया के ऐसे देश जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। प्रथम स्थान किसका है? चीन का। जनसंख्या 139.38 करोड़, 2018 के अनुसार है ये, ठीक है। सेकेंड नंबर पे कौन है? मेरा भारत महान, सही है। जनसंख्या कितनी? 137 करोड़, थोड़े ही पीछे हैं। जनसंख्या कितनी? 137 करोड़, 2018 के अनुसार अनुमानित है। इंडोनेशिया की बात करें, इंडोनेशिया भारत से ही इधर छोटे छोटे टापुओं के रूप में है। इंडोनेशिया की बात करें, 26.52 करोड़। नंबर 4 पे बात करें,
पड़ोसी देश पाकिस्तान, पाकिस्तान 20.6 करोड़। और पांचवें नंबर पे बात करें, एक दूसरा और है पड़ोसी देश हमारा बांग्लादेश, 3 बीघा गलियारा जिसे लगता है, बांग्लादेश, बांग्लादेश में पाई जाती है 16.2 करोड़। एशिया की 5 देश हैं जहां सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। 2018 की अगर हम बात करें, चीन की जो कुल जनसंख्या है 139.38 करोड़। सेकंड नंबर बात करें भारत, 137 करोड़। तीसरे नंबर पे बात करें इंडोनेशिया, चौथे नंबर पे पाकिस्तान और पांचवें नंबर पर बांग्लादेश। तो ये तो हमारे सारे क्या हैं, पड़ोसी देश हैं, और कह सकते हैं कि एशिया के 5 देश हैं जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, इसको उतार लीजिएगा। एशियाई जनसमूह की आर्थिक क्रियाओं की अगर हम बात करें, आर्थिक क्रियाओं की दृष्टि से जापान के अतिरिक्त शेष जितने भी देश हैं वो क्या हैं, कृषि प्रधान देश हैं। जापान एक ऐसा देश है एशिया महाद्वीप का जिसकी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित नहीं है, उद्योगों पर आधारित है। जिन खनिज संसाधनों का जापान में उत्पादन नहीं होता है, जो नहीं मिलते हैं, उन खनिज संसाधनों को जापान बाहर से मंगाता है, और उसकी जो अर्थव्यवस्था है मुख्य रूप से किस पर, उद्योगों पर आधारित है। द्वितीय और तृतीय प्रकार के व्यवसाय किए जाते हैं। जापान जो देश है छोटे छोटे टापुओं पर बसा हुआ है, खेती के लिए अधिक वहाँ पर जमीन उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि जापान ने अपनी औद्योगिक विकास या तकनीकी विकास उसमें कौशल है, जिसके कारण जापान के अतिरिक्त एशिया के जितने भी देश हैं वो सभी क्या हैं, कृषि प्रधान देश हैं। संपूर्ण एशिया में जिस प्रकार की कृषि की जाती है, निर्वाहक कृषि की जाती है, निर्वहन कृषि। ब्लैकबोर्ड साफ कर दूं, इसको देख लेना आप, बाकी नोट्स में भेज दूंगी मैं। जितने भी देश हैं निर्वहन कृषि की जाती है। निर्वहन कृषि पता है क्या होती है, सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए, सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए जो खेती की जाती है उसको बोलते हैं निर्वहन कृषि। इसमें क्या की जाती है, खेतों का आकार कैसा होता है, छोटा होता है, रासायनिक उर्वरक का उपयोग नहीं करते, घर के ही सदस्य मिलकर क्या करते हैं, उसका खेती का कार्य करते हैं। जो कृषि होती है पारंपरिक उपकरणों से की जाती है, परंपरागत जो उपकरण होते हैं उसके माध्यम से की जाती है। नवीन तकनीक का, उर्वरक का, रासायनिक खाद का तथा उन्नत बीजों का प्रयोग नहीं किया जाता है। घर में जो भी बीज उपलब्ध होते हैं उनको बो दिया जाता है, और जो फसल प्राप्त होती है उसको घर पर ही उसका उपभोग कर लिया जाता है। अब इस प्रकार के बीजों का उपयोग करेंगे, रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करेंगे, वो नवीन तकनीक का उपयोग नहीं करेंगे, तो प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता है वो भी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो इन क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर जो फसल, जो उपज है उसका, जो प्रति हेक्टेयर होता है वो क्या पाया जाता है, उत्पादन कम होता है। दूसरा, इन्होंने कहा कि कृषि के साथ साथ क्या करते हैं, पशुपालन भी करते हैं। पशुपालन इसलिए करते हैं ताकि उसके साथ अपना जीविकोपार्जन आसानी से कर सकें। पशुपालन किसके लिए, खेती के कार्य के लिए भी करते हैं पशुपालन, कृषि के कार्य में जीवन निर्वाह के लिए भी किया जाता है। दूसरा, इन्होंने कहा कि मानसूनी एशिया के जितने भी देश हैं उनमें बागाती फसलों की प्रधानता पाई जाती है। बागाती फसलें, बागानी फसलें, ऐसी फसलें जो बाग के रूप में लगाई जाती हैं, कि जैसे रबड़ है, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया मुख्य हैं, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, रबड़ के बागान विकसित हैं, रबड़ का उत्पादन किया जाता है, रबड़ के बागान विकसित हैं, यहाँ पर बागाती खेती की जाती है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने से अधिकांश जो भाग है वह ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र है उनका प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है, कृषि होता है, और जिस देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होती है वहाँ प्राथमिक कार्यों की प्रधानता पाई जाती है, और देश की जो अधिकांश जनसंख्या होती है वह गाँव में निवास करती है। नेक्स्ट बात करते हैं, विगत जो 50 वर्ष हैं, पिछले बीते हुए 50 वर्ष हैं, उनमें क्या हुआ है, नगरों का विकास हुआ है। 1950 के उपरांत की अगर हम बात करें, भारत और चीन दोनों में तीव्र औद्योगिकरण हुआ है। तीव्र औद्योगिकरण के कारण नगरीयकरण की जो प्रक्रिया है उसको गति प्रदान हुई है। जितना अधिक औद्योगिकरण होगा उतना ही अधिक नगरों का विकास होगा, क्योंकि जैसे ही उद्योग बढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग नगरों का आकार भी बढ़ जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसके कारण नगरीयकरण की जो प्रक्रिया है उसमें तीव्रता से वृद्धि आती है। हम कह सकते हैं कि भारत की लगभग 29% जो जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती है, नगरों में। भारत की 29% जो जनसंख्या है कहाँ निवास करती है, नगरों में। बच कितनी गई, 71, कहाँ निवास करती है,
ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्राम में, क्योंकि भारतीय कृषि प्रधान देश है और अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है, गांव में निवास करती है। 71% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और 29% जो जनसंख्या है वह कहाँ निवास करती है, नगरों में निवास करती है। जापान के अतिरिक्त एशिया जनसमूह के जितने भी देश हैं जनसंख्या विस्फोटक की स्थिति से गुजर रहे हैं, या कह सकते हैं कि जनानकीय संक्रमण की विस्फोटक अवस्था से गुजर रहे हैं। जन्मदर क्या पाई जाती है, उच्च जन्मदर के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार में से मृत्यु दर में क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। जन्मदर तो ऊँचा है लेकिन मृत्यु दर में क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है, जिसके कारण इन देशों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। अब थोड़ा सा पीछे जाना, मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही जो क्लास दी थी उसमें एक सिद्धांत बताया था, जनानकीय संक्रमण का सिद्धांत। उसमें प्रथम अवस्था, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, सभी अवस्थाओं की हमने बात की थी। जितने भी देश हैं मोस्टली द्वितीय अवस्था से गुजर रहे हैं, जिसमें स्थिति क्या होती है, जनसंख्या विस्फोट वाली स्थिति पाई जाती है। तो जापान के अतिरिक्त बाकी जितने भी देश हैं वो इन सभी समस्याओं से गुजर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पाई जाती है, जन्मदर तो अधिक पाया जाता है लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होने से मृत्यु दर को क्या कर लिया, उन्होंने नियंत्रित कर लिया। तो जिसके कारण जो जनसंख्या है उसमें अत्यधिक वृद्धि हुई है, तीव्र गति से वृद्धि हुई है, जिसके कारण कह सकते हैं कि मृत्यु दर को नियंत्रित करने से, जन्मदर उसी अनुपात में बढ़ने से क्या है, यहाँ पर जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है और जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बनी हुई है। अब जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बनेगी तो बहुत सारी समस्याओं का भी क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। कौन कौन सी समस्याएं हैं, जनसंख्या वृद्धि से भोजन की, आवास की, रोजगार की, निर्धनता और पर्यावरण से संबंधित अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है एशियाई जनसमूह के देशों को। ये था हमारा एशियाई जनसमूह। अब हम बात करेंगे किसकी, यूरोपीय जनसमूह की, क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या एशियाई जनसमूह में रहती है, इसलिए हमने पहले बात की थी एशियाई जनसमूह की। और ये था हमारा एशियाई जनसमूह। जितनी भी बात आप जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट हैं, वैसे भी आपको पता है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, 2 फसलें होती हैं, प्रति हेक्टर उत्पादन कम होता है, नवीन तकनीक का उपयोग नहीं करते हैं, तो उन सभी चीज़ों का आपको वर्णन करना है। खेती के साथ पशुपालन का कार्य किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें आपको बहुत कुछ याद करना हो, बहुत कुछ लिखना हो, वही चीज़ें हैं जो आप बचपन से देखते आ रहे हैं, इसलिए ईजी है। सिर्फ आपको जो मेन कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान रखते हुए इसका वर्णन करना है। सेकेंड कौन सा लिखेंगे, यूरोपीय जनसमूह। सेकेंड पॉइंट है यूरोपीय जनसमूह। यहां भी कारण बताएंगे कि जो यूरोपीय जनसमूह उसमें सर्वाधिक जनसंख्या क्यों पाई जाती है। एशिया जनसमूह के बाद द्वितीय दूसरा बड़ा जनसमूह कौन सा है, यूरोपीय जनसमूह। क्यों? सबसे अधिक जनसंख्या एशिया में पाई जाती है, उसके बाद कहाँ पाई जाती है, यूरोप में पाई जाती है। तो एशिया के बाद दूसरा मुख्य जनसमूह कौन सा है, यूरोपीय जनसमूह है। संपूर्ण यूरोप की अगर जनसंख्या की बात करें कितनी है, 74 करोड़। हमारा तो एक इंडिया ही भारी है इसकी। यूरोपीय जनसमूह की बात करें तो यूरोपीय, संपूर्ण यूरोप की जो जनसंख्या है कितनी है, 74 करोड़ है, और हम कह सकते हैं कि इसका 75% जो भाग है वो यूरोपीय जनसमूह में निवास करता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है, रूस के बाद जर्मनी। प्रथम कौन है, रूस, रूस के बाद जर्मनी। यूरोप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश रूस, रूस के बाद जर्मनी। एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको, रूस का जो अक्षांशीय विस्तार है बहुत अधिक पाया जाता है, देशांतरी विस्तार बहुत अधिक पाया जाता है, इसलिए रूस एशिया में भी स्थित है, रूस यूरोप में भी शामिल है। एशिया, रूस को एशिया में साइबेरिया के नाम से जानते हैं, रूस को एशिया में साइबेरिया के नाम से जानते हैं, और यूरोप में उसको रूस के नाम से ही जाना जाता है। तो यूरोप जो महाद्वीप है उसके सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो क्या है, रूस है। रूस के बाद किसका स्थान आता है, जर्मनी का स्थान आता है। यूरोप के बाद रूस के बाद जर्मनी है। जर्मनी में 8.22 करोड़ लोग निवास करते हैं। और यूरोप की अगर हम बात करें सर्वाधिक सघन बसा हुआ देश कौन सा है, मोनाको। एक देश का नाम है, देश क्या है, मोनाको। मोनाको सर्वाधिक सघनता पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, 17,503 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 17,503
तीन व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं। 17,503 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो सर्वाधिक जो घना बसा देश है वो कौन सा है? मोनाको है, जिसका जो घनत्व है वो क्या है? 17,503 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसमें पाया जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद कौन सा आता है? नीदरलैंड आता है। इस मोनाको के बाद किसका नाम आता है? नीदरलैंड का नाम आता है। जिसके घनत्व की अगर हम बात करें, जनसंख्या घनत्व 402 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। यूरोपीय जनसमूह की बात करें तो यूरोपीय जनसमूह की अगर हम बात करें तो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से यूरोपीय जनसमूह की बात करें, इस वाले क्षेत्र में यूरोप का जो भाग है वो अधिक पाया जाता है। तो यूरोपीय जनसमूह की अगर हम बात करें तो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य जो यूरोपीय जनसमूह है वह पाया जाता है। और इसकी जो सर्वाधिक सघनता पाई जाती है 45 से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पाई जाती है। 45 से 55 जो अक्षांश हैं उनमें सर्वाधिक जनसंख्या की सघनता पाई जाती है। कारण क्या है? कोयला पेटी की सर्वाधिक सघनता पाई जाती है। और दूसरा इन्होंने कहा, इसकी सर्वाधिक सघनता 45 डिग्री उत्तर से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाई जाती है। और इसकी जो सर्वाधिक सघनता की हमने बात करी, यहाँ पर आधुनिक उद्योग तथा नगरों का सर्वाधिक विकास हुआ है। यह जो जनसंख्या पेटी है ब्रिटेन से कहाँ पहुँचती है? इंग्लिश चैनल पार करती हुई यूक्रेन के डोनेत्ज बेसिन तक जाती है। और ये क्या है? कोयला पेटी है। यह यूरोपीय जनसंख्या की धुरी कहलाती है, क्योंकि सर्वाधिक जो जनसंख्या है वह 45 से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य यूरोप महाद्वीप में पाई जाती है सर्वाधिक सघनता। और हम कह सकते हैं कि यह जो कोयला पेटी है ब्रिटेन से लेकर इंग्लिश चैनल या को पार करती हुई यूक्रेन तक यह फैली हुई है। 19वीं शताब्दी के अगर हम उत्तराद की बात करें, 19वीं शताब्दी के उत्तराद में क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति होने से क्या हुआ? जनसंख्या का जो संकेंद्रण था वो कहाँ पहुँच गया? नगरों में पहुँच गया, नगरों के समीप होने लगा। और हम कह सकते हैं कि इससे जो पूर्व क्या था यूरोप में, जो जीवन यापन का साधन क्या हुआ करती थी? कृषि हुआ करती थी। और जनसंख्या का अधिकांश भाग कहाँ निवास करता था? नदी घाटी मैदानी क्षेत्रों में निवास करता था, जहाँ जलोढ़ मृदा या लोयस मृदा उपजाऊ मृदा मिलती है। अनुकूल समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। यूरोप क्या है? समशीतोष्ण जलवायु में स्थित है। और पर्याप्त वर्षा होने से कृषि कार्यों की यहाँ प्रधानता पाई जाती है। और कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में यहाँ क्या हुआ? कृषि जो कार्य हैं उन पर यूरोप में निर्भरता कम होने लगी और उद्योगों को अधिक बढ़ावा देने लगे, जिससे प्राथमिक व्यवसाय तो इतने अधिक नहीं लेकिन द्वितीय और तृतीय व्यवसाय में यूरोप के लोगों की जो भूमिका है वह महत्वपूर्ण रही। जिसके कारण क्या हुआ कि जो 17% है जनसंख्या है वह औद्योगिक कार्यों में संलग्न हो गई। तो हम कह सकते हैं कि यूरोप ने इतनी अधिक तरक्की की, उन्नति की, जिसके कारण प्राथमिक व्यवसाय में उसकी जो भूमिका है वह कम पाई जाती है, जबकि द्वितीय और तृतीय व्यवसाय में उसकी भूमिका अधिक पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ की जो 17% जनसंख्या थी औद्योगिक क्रांति आने से औद्योगिक कार्यों में संलग्न हो गई। इसलिए यहाँ की जो सभ्यता है उसको औद्योगिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यूरोप की जो अधिकांश जनसंख्या थी वो औद्योगिक कार्यों में संलग्न थी। उत्तरी पश्चिमी तथा मध्य यूरोप की बात करें तो पूर्णतः औद्योगिक विकास या औद्योगिक सभ्यता के रूप में यह विकसित हो गई। यूरोप के उत्तरी भाग की बात करें, शीत प्रधान है, कठोर होने के कारण 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश की अगर हम बात करें अक्षांश तक वन समूह, उद्योग समूह, खनिज तथा जल शक्ति का विकास हुआ है। और इसके उत्तर की अगर हम बात करें, 60 डिग्री के उत्तर की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर जनसंख्या कैसी पाई जाती है? विरल पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ठंड अत्यधिक बढ़ जाती है और विभिन्न प्रकार के उद्योग व्यवसाय उस प्रकार से विकसित नहीं हो पाते जितना 40 से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य विकसित हुए हैं। दूसरी बात करते हैं, संपूर्ण यूरोप की अगर हम बात करें, लोह इस्पात वस्त्र निर्माण रासायनिक विद्युत उपकरण इन सभी का निर्माण होने से यहाँ कारखाने विस्तृत रूप से संपूर्ण यूरोप में फैल गए। और परिवहन के साधनों का विकास हुआ, क्योंकि
समतल मैदान है जिसके कारण परिवहन के साधनों का विकास किया गया और संपूर्ण यूरोप एक दूसरे क्षेत्र से आपस में जुड़ गया आंतरिक नहरों के द्वारा, नदियों के द्वारा। और हम कह सकते हैं कि जितने भी समुद्र वाले क्षेत्र थे उन सभी को भी क्या जोड़ दिया गया, उनसे जोड़ दिया गया। यूरोपीय जनसमूह की अगर हम बात करें, द्वितीय और तृतीय व्यवसाय में संलग्न है। और दूसरा, आप जानते हैं कि जो क्षेत्र या जो भी देश द्वितीय और तृतीय व्यवसाय में संलग्न होता है वहाँ पर औद्योगिक क्रियाओं का अत्यधिक विकास होता है और उतनी ही अधिक तीव्रता से, जितना अधिक तीव्रता से औद्योगिक विकास होगा उतना ही अधिक जल्दी नगरों का विकास होता है। ये जो क्रियाएं होती हैं नगरीय वातावरण में संपन्न होती हैं। द्वितीय और जो तृतीय क्रियाएं होती हैं वहाँ नगरीय वातावरण पाया जाता है, नगरों का विकास होता है। और विनिर्माण उद्योग तथा व्यापारिक कार्यों में संलग्न होने के कारण एशियाई जनसमूह की तुलना में यहाँ क्या पाया जाता है, जनसंख्या का पोषण और जीवन स्तर दोनों ही उच्च पाए जाते हैं। अगर व्यक्ति क्या है, द्वितीय और तृतीय क्रियाओं में संलग्न है, तो हम कह सकते हैं कि जीवन स्तर भी क्या पाया जाएगा, उच्च पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि नगरों का विकास होने लगा और नगरों का विकास होने से क्या हुआ, नगरों का विकास होने से मनुष्य का जो जीवन स्तर है उसमें परिवर्तन आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जनसंख्या वृद्धि होने से हम कह सकते हैं कि यूरोप के जो देश हैं, यूरोप के अधिकांश जो देश हैं आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में प्रविष्ट हुए थे और अब अवस्था ये आ चुकी है कि वो अंतिम अवस्था में पहुंच चुके हैं। क्योंकि 200 वर्ष पहले क्या थे, जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में थे। और कह सकते हैं कि हम एशिया के देश मुख्य रूप से जितने भी देश हैं एक जापान को छोड़कर वर्तमान समय में द्वितीय अवस्था में चल रहे हैं। लेकिन आज से 200 वर्ष पूर्व क्या था, यूरोप के अधिकांश देश क्या थे, प्रथम अवस्था में थे। जिसके प्रथम अवस्था में आप सभी जानते हैं जन्मदर भी अधिक और मृत्यु दर भी अधिक, जिसके कारण जनसंख्या में अधिक परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। जिसके कारण अगर वर्तमान समय की अगर हम बात करें, जनसंख्या वृद्धि रुक गई है, जनसंख्या स्थिर हो गई है। क्यों स्थिर हो गई है? यद्यपि इन देशों में जनसंख्या स्थिर है लेकिन जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। जनसंख्या स्थिर इसलिए है क्योंकि जन्म और मृत्यु दर दोनों को ही इन देशों ने नियंत्रित कर लिया है। क्योंकि वर्तमान समय में यूरोप के अधिकांश जो देश हैं वो चौथी अवस्था में क्या है, चौथी अवस्था में प्रविष्ट कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम पाए जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो अधिक पाया जाता है लेकिन जनसंख्या में स्थिरता पाई जाती है। यूरोपीय जनसमूह की अगर हम बात करें, प्रति व्यक्ति आय की बात करें, वैज्ञानिक तकनीकी विकास की बात करें, औद्योगिक व्यापारिक विकास है, नगरीयकरण है, रोजगार के पर्याप्त अवसर हैं, जिसके कारण यहाँ पर उच्च जीवन स्तर पाया जाता है। आज ये दो ही, कल हम नेक्स्ट दो की बात करेंगे। आज के आप क्वेश्चन सुनिए कि विश्व की कुल जनसंख्या का एशिया में कितने प्रतिशत भाग निवास करता है, यूरोप की कुल जनसंख्या कितनी है, ठीक है? दो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कि एशिया में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। सेकंड क्वेश्चन है कि क्या, सेकंड क्वेश्चन क्या था, यूरोप यूरोप की कुल जनसंख्या कितनी है ये बताएंगे, और यूरोप में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश में पाई जाती है। पांच देशों का क्रम बनाएंगे एशिया के जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है? और नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे, क्या बताना है आपको, कि भारत में, सॉरी चीन में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप इसका मुझे कमेंट करके आंसर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, और इसके आगे का जो पार्ट्स है उसको भी हम कल कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।